जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों को, मैं हूं रोहित। फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत करता हूं आप लोगों के यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव रोहित पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एच प्रॉब्लम आई संबंधित पार्ट 3, ताकि आप लोग बोर्ड पर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सामने पहला क्वेश्चन है, आप लोग करना क्या देखना है। ठीक दोस्तों, पहले क्वेश्चन आप लोग सामने है, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात और उनकी आयु का अंतर, आयु का अंतर 33 वर्ष है। तो ए और बी की आयु का आयु ज्ञात कीजिए, तो ए और बी आयु का ज्ञात कीजिए, तो ए और बी क्या आयु क्या होगा पता करना। ठीक दोस्तों, ए और बी की आयु का अनुपात ए कितना होगा, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:7 है। 4:7 क्या है, 7 है। उनकी आयु का अंतर कितना है, उनकी आयु का अंतर कितना है, 33 वर्ष है। तो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का अंतर कितना है, तो ए का रेशियो कितना है, 4, बी का एज कितना है, 7। तो दोनों का अंतर, इसमें अंतर कितना आएगा, दोनों के अंतर कितना आएगा, तो अंतर दोनों का अंतर है कितने का, अंतर है कितना का, 3 वर्ष का है। कितना का, 3 वर्ष का अंतर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है उनकी आयु का अंतर एक्चुअल में 3 वर्ष नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 33 वर्ष है। कितना वर्ष है, 33 वर्ष है। अब लोग ध्यान से करना, ठीक दोस्तों, अब लोग ध्यान से करना, 3 वर्ष नहीं है कितना है, 3 वर्ष नहीं है कितना है, 33 वर्ष है। कितना है, 33 वर्ष है। तो एक नहीं है कितना है, 33 / 3 कर दो, कितना बार कटेगा, ये 11 बार कटेगा, 33 × 3 = 11 कितना होगा, तो कितना बार कटेगा, 11 बार कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की आयु आयु ज्ञात कीजिए, तो ए और बी की आयु पता करना, तो ए और बी की आयु पता करना, तो ए कितना होगा, ए किसी इसमें मल्टीप्लाई करना, तो कितना होगा ए का, तो जब ए किसे मल्टीप्लाई कर दो कितना, ए 4 है, तो कितना आप लोग आंसर हो जाएगा, 44 वर्ष होगा। और बी का पूछेगा तो आप लोग कितना होगा, बी का कितना है, 7 × 11 कर दो कितना होगा, 77 वर्ष होगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग बोलना, ठीक है। तो ए और बी की आयु कितना है, 44 वर्ष और कितना वर्ष है, 77 वर्ष है। तो अब दो नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन अभी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, पहले अंतर था, अभी थोड़ा योग का सम का है, ठीक दोस्तों, डिफेंस का था, अभी थोड़ा अंतर का है। तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है, 3:4 है, और दोनों की आयु का योग कितना है, 28 वर्ष, दोनों की आयु का योग कितना है, 28 वर्ष। तो ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है, देखना आप लोगों को क्या कहना, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है, 3:4, दोनों की आयु का योग कितना है, तो योग दोनों का योग कितना है, योग कितना है, योग है कितना है, दोनों का योग कितना है, 7 वर्ष है। कितना वर्ष है, 7 वर्ष है। कितना वर्ष है, 7 वर्ष। क्वेश्चन में कह रहा है 7 वर्ष, दोनों का योग 7 वर्ष नहीं है, कितना वर्ष है, 28 वर्ष है। क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअल में कितना वर्ष है, 28 वर्ष है, 7 नहीं कितना है, 28 वर्ष है। कितना है, 28 वर्ष है। तो एक नहीं है कितना है, 28 से 7 से भाग दो, कितना बार कटेगा, 4 बार कटेगा। कितना बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए, तो ए और बी की आयु पता करना, तो ए की बी आयु कितना हो जाएगा, ए की आयु पता करना, तो कितना, 3 × 4 करना, और बी की आयु पता करना, तो 4 × 4 करना, तो कितना होगा, 12 वर्ष होगा, और ए कितना वर्ष होगा, 16 वर्ष होगा, 16 वर्ष होगा। तो वही आप लोगों का आंसर है, 12 वर्ष है और 16 वर्ष आप लोगों का आंसर है। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करना, और समय 3 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप लोग सामने 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग करना क्या देखना, ठीक दोस्तों। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को सही तरफ से पढ़ना, उसके बाद आप लोग आंसर देना, तो आप लोग रटना मत, ठीक दोस्तों। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना, 4:7 है, और उनमें से एक व्यक्ति एक की आयु 30 वर्ष से अधिक है, कितना है, 30 वर्ष से अधिक है, तो उनकी आयु का योग वर्षों में क्या होगा, आप लोग पता करना। तो क्वेश्चन में थोड़ा अलग दिया है, दो व्यक्ति, पहले व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति वही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का अनुपात कितना दिया है, 4:7 दिया है, कितना दिया है, 4:7 दिया है। तो उनमें से एक व्यक्ति का आयु 30 वर्ष अधिक है, तो उनमें से दोनों की आयु कितना है, क्वेश्चन में कह रहे हैं उसमें कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा, तो 4 बड़ा, 7 बड़ा है, तो उनमें से कौन सा व्यक्ति बड़ा है, तो अंतर कितना का हो जाएगा, अंतर होगा कितना का है, 3 का अंतर है। तो अधिक कितना है, कम और अधिक किसको बताता है, अंतर को बताता है, डिफरेंस को बताता है, ठीक दोस्तों। तो 30 वर्ष का अंतर है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 3 वर्ष का अंतर है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कितना, 3 वर्ष का, क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअल में 3 वर्ष निकल नहीं है, 30 वर्ष का अंतर है, कितना का है, 30 वर्ष का अंतर है, 30 वर्ष का अंतर है।
तो जब एक एक का पता करो कितना होगा, 30 / 3 करो कितना बार कटेगा, 10 बार कटेगा, 10 वर्ष का अंतर होगा, ठीक है। तो कितना है 10 का, तो क्वेश्चन में कह रहा है उनकी आयु का योग, अभी थोड़ा अलग है, तो दोनों का योग कितना है, उसमें रेशियो में कितना का योग है, उसमें योग कितना का, रेशियो में योग योग कितना का है, तो चाहे 7 4 11 का योग हो रहा है दोस्तों, कितना का है योग, कितना का है 11 का योग है, कितना 11 वर्ष का है। तो क्वेश्चन में कह रहा है उनकी आयु का योग कितना है, तो एक्चुअल में 10 नहीं है, तो आप लोग देखना लिखना योग भी है कितना है, 11 नहीं है, कितना टाइम ज़्यादा है, 10 टाइम ज़्यादा, तो कितना आप लोग आंसर होगा 110 वर्ष आप लोग का आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। कितना वर्ष होगा 110 वर्ष आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को बोलना, ठीक है दोस्तों। कितना वर्ष का होगा 110 वर्ष का आप लोग आंसर होगा, तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना है। आप लोग सामने 4 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग सामने 4 नंबर क्वेश्चन, मैं 4 नंबर क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 4 टाइप का क्वेश्चन आप लोग सामने करवा चुका हूँ, तो आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग करना है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, सॉरी दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 कितना 2 है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, कितना से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो कम उम्र वाले छात्रों की आयु क्या है वो लोग पता करना, ठीक दोस्तों। तो वो लोग करना पहले स्टूडेंट कितना 1, पहले दूसरा कौन सा है, तो 3:2 है, कितना है 3:2 है क्वेश्चन में कह रहा है, तो एक दूसरे से कितना बड़ा है, दूसरे से 5 वर्ष का बड़ा है, तो बड़ा और छोटा किसको बताता है, अंतर को बताता है, ठीक दोस्तों। 5 वर्ष बड़ा होगा, 5 वर्ष छोटा होगा, तो कितना किसको बड़ा बताएगा, अंतर को, तो उसमें अंतर कितना का है, उसमें अंतर का है कितना का है, 1 का अंतर है, कितना का अंतर है 1 वर्ष का अंतर है, क्वेश्चन में कह रहा है 1 वर्ष का अंतर नहीं है, एक्चुअल में कितना वर्ष का अंतर है, क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का है, तो इसमें कितना टाइम ज़्यादा है 5 टाइम ज़्यादा है, कितना टाइम ज़्यादा है 5 टाइम ज़्यादा, तो क्वेश्चन में कह रहा है कम उम्र वाले छात्रों की आयु क्या है, तो कम उम्र जिस रेशियो में कम उम्र दिखेगा आप लोग को वही कम उम्र होगा, तो किस में कम उम्र, 2 नंबर में, तो कितना कम उम्र, तो अब लोग करना देखना कम उम्र वाले, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, कम उम्र उम्र वाले, ठीक है, तो कितना है 2 है, 2 नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कितना है 5 टाइम ज़्यादा, कितना टाइम ज़्यादा 5 टाइम ज़्यादा, तो आप लोग आंसर कितना होगा 10 वर्ष आप लोग आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। कितना वर्ष होगा, तो कम उम्र वाले छात्रों की आयु की क्या होगा 10 वर्ष आप लोग आंसर होगा, तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक है दोस्तों। तो अगले साल 5 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, तो अगले साल 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, आप लोग सही तरफ से आप लोग आंसर देना, तो आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग करना क्या देखना, ठीक है दोस्तों। तो 20 वर्ष पहले राम की आयु उनकी वर्तमान आयु की आधी थी, राम की आयु वर्तमान आधी की आधी थी, तो उन उसकी 10 वर्ष बाद की आयु ज्ञात की, 10 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करना, ठीक दोस्तों। तो 20 ईयर्स एगो राम इज वाट इज द एज ऑफ आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स का आप लोग पता करना, ठीक दोस्तों। तो करना क्या देखना, तो 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष, तो वर्तमान में राम की आयु कितना था, वर्तमान में राम की आयु क्या था, राम की वर्तमान आयु तो हाफ, तो क्या होगा 10 वर्ष पहले कितना था, 20 वर्ष पहले कितना था, 20 वर्ष पहले का, ठीक है दोस्तों, कितना कौन सा का, पहले का, तो कितना था, पहले में 1 तो होगा कि नहीं होगा, तो वर्तमान में कितना होगा 2 होगा, तो रेशियो कितना है, वहाँ रेशियो टू है, तो क्या है, वहाँ रेशियो टू है, क्वेश्चन में कह रहे हैं वर्तमान आयु में आधी है, आधी का मतलब आधी है, उसका आधी होगा या नहीं होगा, होगा आधा हाफ होगा, तो इसमें कितना का अंतर है, उसमें अंतर कितना का है, अंतर 1 का अंतर है, कितना का अंतर है, डिफरेंस कितना का है, अंतर 1 का है, क्वेश्चन में कह रहा है अंतर 1 का नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 20 वर्ष का है, कितना का 20 वर्ष का, उसमें कितना टाइम ज़्यादा है, 1 नहीं है, कितना का है 20 वर्ष का है, 20 वर्ष का है, तो उसमें कितना टाइम ज़्यादा है, 20 टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा 20 टाइम ज़्यादा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो राम की आयु क्या था, आपको आधी थी, तो राम की आयु आप लोग पता करना, तो राम की आयु क्या थी, राम की आयु तो 10 वर्ष, तो राम की आयु पता करना, राम पे कितना था 2 है, तो 2 नहीं है, 2 टाइम कितना, राम की आयु कितना था, 20 टाइम कितना होगा 40 वर्ष होगा, कितना होगा 40 वर्ष होगा, कितना होगा 40 वर्ष होगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है उसकी 10 वर्ष कब बाद, 10 वर्ष बाद की आयु की ज्ञात कीजिए, तो 10 वर्ष बाद का आप लोग क्या करना, आप 10 ऐड करना 10 वर्ष बाद का, तो क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो क्वेश्चन में 10 वर्ष बाद, तो 10 ऐड करना ना, 10 वर्ष बाद का आयु, ठीक है, 10 वर्ष बाद का आयु,
क्या हो 10% बात करते हो आप लोग, क्या करना 40 में क्या करना आप लोगों, 10 ऐड कर देना, क्या करना आप लोग 10 ऐड करना, कितना होगा 50% आप लोग का आंसर होगा, कितना परसेंट होगा 50% आप लोग का आंसर होगा। तो पहले आप लोग को क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ना है और आंसर देना, ठीक दोस्तों। तो एच प्रॉब्लम का क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग ध्यान देना, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग लाना आप लोग सामने। तो आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से करना, ठीक दोस्तों। ए की आयु से बी की आयु का अनुपात 4:3 है, तो ए छः वर्ष के बाद 26 वर्ष का होगा, कितना ए 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष होगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा, बी की वर्तमान आयु आप लोग पता करना। तो ए और बी की क्या, ए की आयु बी की आयु से कितना दिया 4:3 था, ए की आयु बी की आयु से 4:3 था, क्या था 4:3 था। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष होगा, तो वर्तमान, तो 6 वर्ष वर्तमान में जाना था, क्या करना पड़ा आप लोग को 26 में से 6 घटाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा वर्तमान में जाने के लिए 26 में से क्या करना करना पड़ेगा 6 घटाना पड़ेगा, तो तभी तो 20 वर्ष का हो, तभी तो होगा ना 20 वर्ष का ना दोस्तों, तभी तो कंडीशन सर्टिफिक होगा। तो रेशियो में कितना का अंतर है, तो कितना का अंतर है रेशियो में, कह रहा है अंतर कितना का है, अंतर अंतर कितना का, 1 वर्ष का है, कितना का 1 वर्ष का है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 1 वर्ष का अंतर नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 20 वर्ष का अंतर है, कितना का 20 वर्ष का अंतर है, अंतर कितना का 20 वर्ष का, इसमें कितना टाइम ज़्यादा है 20 टाइम ज़्यादा। तो अब लोग करना क्या देखना, ठीक दोस्तों। कुछ गलती हो गया क्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, उसमें क्वेश्चन अलग कह रहा है, ठीक दोस्तों क्वेश्चन अलग कह रहा है, ठीक है। तो ए की आयु की बी की आयु का कह रहा है, बी की आयु, तो अब लोग क्या, ए की आयु कितना है, ए की आयु 4 वर्ष है, 4 वर्ष क्वेश्चन में कह रहा, नहीं कह रहा है अब लोग 20 वर्ष कह रहा है, तो कितना कह रहा है ए की आयु क्या 20 वर्ष कह रहा है, तो उसमें कितना टाइम ज़्यादा, एक नहीं है कितना है, तो 20 बटा कितना 4 करो तो कितना होगा, वो लोग 5 होगा। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो वर्तमान आयु क्या करना वो लोग, वर्तमान आप लोग पता करना, तो वर्तमान क्या करना वो लोग बी की, तो बी कह रहे हैं तो क्या क्या होगा वो लोग वर्तमान में जाने के लिए, बी का 5 × 3 करो तो कितना वर्ष होगा 15 वर्ष आप लोग आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। मैं थोड़ा समझा अलग समझा था, इसी अंतर की निकल गया था, अभी थोड़ा एक ही कह रहा है, एक तो सही तरह से आप लोग क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक दोस्तों सही तरह से क्वेश्चन पढ़ना और आंसर आप लोग लगाना, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है ए की आयु बी की आयु का अनुपात कितना 4:3 है, तो ए 6 वर्ष बाद, ए 6 वर्ष के बाद कितना 26 वर्ष का होगा, ए 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष होगा होगा, तो बी की, तो क्वेश्चन में कह रहा है आप लोग 6 वर्ष की घटा लेना, तो वर्तमान में चला आएगा, तो आप लोग कितना आंसर होगा 15 वर्ष आप लोग आंसर होगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों आप लोग बोर्ड पर ध्यान। तो और 7 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 7 टाइप का आप लोग 7 टाइप का आप लोग क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ठीक दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन आप लोग सही तरह से पढ़ना, ए और बी की आयु का अनुपात कितना, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, उनकी और उनकी आयु का व्यू कितना 36 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा वो पता करना, 8 वर्ष बाद कह रहा है, ठीक दोस्तों। तो करना क्या देखना, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 4:5 है, तो क्वेश्चन में कह रहा है उनकी आयु का योग, तो इनकी आयु का योग कितना है, योग कितना है, योग होगा कितना वर्ष होगा 9 वर्ष का है, 9 वर्ष का है, कितना वर्ष का योग है 9 वर्ष का है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 9 वर्ष का नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअल में कितना वर्ष का है 36 वर्ष का है, तो अब लोग करना 9 वर्ष का नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कितना 36 वर्ष का है, एक नहीं है कितना है 36 / 9 को कितना बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 4 बार कटेगा नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की आयु का, तो ए का पता करना, तो क्या करना आप लोग को 4 × 4 करो कितना होगा, रेशियो में निकलना, तो अब लोग क्या करना 16 वर्ष होगा, और बी का पता करना तो कितना होगा 5 × 4 करो कितना होगा, कितना होगा 20 होगा, 20 होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद का आप लोग पता करना, तो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ए और बी की 8 वर्ष बाद कितना होगा, आप तो पहले क्या करना आप लोगों को ऐड कर देना, 8 क्या करना आप लोगों को ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा 8 × 6 = 14, 24 और इसमें कितना होगा 28 होगा, तो 28 होगा, तो रेशियो आप लोग पता करना, ए और बी का रेशियो पता करना, तो 24 कितना बी 28, तो जब इसे काटोगे कितना बार कटेगा, ये 6 कितना बार कटेगा, 4 से कटेगा 6 बार कटेगा, और 4 से कटेगा 7 बार कटेगा, तो आप लोग रेशियो कितना होगा 6:7 आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 6:7 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक है। और सामने 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर ध्यान।
तो और सर 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख के करना, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है अभी थोड़ा, ठीक है। अभी थोड़ा डबल रेशियो दिया, अब लोग करना क्या है। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 8:5 है। तो और 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:2 था। कितना था, 5:2 था। तो ए और बी की वर्तमान आयु आप लोग पता करना, तो वर्तमान आयु पता करना, ठीक दोस्तों। तो वर्तमान आयु प्रेजेंट एज क्या होगा, तो वर्तमान आयु क्या होगा ए और बी की, कितना था, 8:5 था। कितना था, 8:5 था, 8:5 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 12 वर्ष पहले कितना था, 12 वर्ष पूर्व मतलब पहले कितना था, 12 वर्ष पूर्व कितना था आयु, 12 वर्ष पहले कितना था 5:2 था। क्वेश्चन में कह रहा है 5:2 कितना था, 2 था। तो अब लोग करना क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु पता करना, ए और बी की आयु वर्तमान आयु के। तो 12 वर्ष पहले कितना था ए और बी की आयु, 5:2 था, और प्रेजेंट में कितना था, 8:5 था। तो उसमें रेशियो में कितना का अंतर है, रेशियो में कितना का डिफरेंस है, उसमें देखूँ तो कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। उसमें कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो उसमें कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो अब लोग करना, मैं उधर लिख देता हूँ, ठीक देखूँ आप लोग पता चलेगा ए और बी का, ए बी का। तो 5:3 कितना था, 3 था, सॉरी 5:2 था, और 8:5 था। तो इसमें रेशियो में कितना का डिफरेंस है, 3:3 क्वेश्चन में कह रहा है, कितना वर्ष का डिफरेंस है, 3:3 क्वेश्चन में कह रहा है। 12 एक्चुअल में कितना का, 12 वर्ष का डिफरेंस है, 3:3 डिफरेंस का नहीं है, कितना का है, 12 वर्ष का है। तो एक नहीं है, कितना है, तो 12 / 3 करो, कितना बार कटेगा ये 4 बार कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों को पता करना, क्या पता करना देखना, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में कह रहा है वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो वर्तमान से आप लोग पता करना, ठीक है दोस्तों। ए और ए का कितना है, 4 नहीं है, 8 टाइम ज़्यादा, तो कितना होगा, 32, कितना था, 8 * 4 = 32 होगा। और बी का कह रहा है, तो आप लोग बी का पता करना, 5 * 4 करो तो कितना होगा, 20 होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों को पता कितना वर्ष होगा, 32 वर्ष का कितना वर्ष होगा, 20 वर्ष आप लोग आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना है। तो अब लोग सामने 8 नंबर क्वेश्चन, उसके और भी तरीका करने का दोस्तों, आप लोग देखना बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है, उसे करने का और भी तरीका आप लोग करना क्या देखना, ठीक है। मैं थोड़ा उसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, उसको मिटाना पड़ेगा। तो आप लोग करना क्या देखना, तो ए और बी की वर्तमान आयु कितना का है, उसे करने का और भी तरीका तो देखना आप लोग बोर्ड पर ध्यान दें, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग एक्स मान के कर सकते हैं, पहले कितना था, वर्तमान में ए और बी के अनुपात कितना था, 8:5। तो मैं इसको मानना हूँ। तो क्वेश्चन में कह रहा है 12 वर्ष पूर्व क्या था, 5:2 था। तो 12 वर्ष पहले क्या आप लोग क्या करना, आप लोग को माइनस करना, 12 आप लोग क्या करना, माइनस करना, ओपन बटे में क्या होगा आप लोग को, 5x क्या होगा, 5x - 12 करना, ठीक है दोस्तों। इस तरफ से आप लोग करना, 5x - 12 करना। तो करना क्या, बराबर कितना दिया, 5:2 था, कितना था, बराबर 5:2 था। तो अभी अभी करना है देखना, तो उसको जब मल्टीप्लाई करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप लोग। तो 8 * 2 जाए कितना, 16 होता है कि नहीं होता, 16x तो कितना, 24, 12 * 2 जाए कितना, 24 है ना दोस्तों, बराबर कितना दिया है आप लोगों को, तो 5 जाए कितना, 25 होता है कि नहीं होता, होता है 25x तो कितना, 12 जाए कितना होता है, 60 होता है कि नहीं होता, होता है, तो -60। तो जब उसे कैसे करना देखना, तो 25x माइनस कितना, 16x बराबर कितना, 16 तो कितना हो जाएगा ये, तो इस तरफ से करना, तो कितना होगा, 24 माइनस करना, ठीक दोस्तों। तो 24 माइनस करना, तो इसमें जब माइनस करके कितना होगा, ये 9x होगा, 9x होगा कि नहीं होगा, होगा, बराबर कितना दिया है, कितना दिया है आप लोग को, उसमें कितना होगा, 36 होगा, 36 होगा होगा। तो x का वैल्यू पता करना, तो x का वैल्यू पता करना क्या होगा, 36 ओपन कितना, 9, तो इसे कितना बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। तो आप लोग आ गया है ना 4 आप लोग को, तो जब पहले भी किया था कितना था 4 था। तो आप लोग करना उसमें आप लोग वैल्यू पुट कर देना, तो वैल्यू पहले आप लोग वर्तमान में कह रहे, तो आप लोग इसमें क्या करना, 4 * 8 * 4 करो तो कितना होगा, 1 का पता करना, तो आप लोग को तो कितना होगा, 32 होगा। और बी का पता करना, तो आप लोग क्या करना, आप लोग 4 * 5 करो तो कितना होगा, 20 आप लोग वर्ष होगा। तो इस तरफ से आप लोग कर सकते भी, ठीक दोस्तों। तो अगले सामने 9 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो अगले सामने 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग करना, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना, 5:7 है।
और 8 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 था। ए और बी की आयु वर्तमान में क्या होगा आप लोग पता करना, तो आप लोग करना देखना है। ए और बी की वर्तमान आयु कितना कितना था, प्रेजेंट आयु कितना था, वर्तमान में कितना था, वर्तमान में ए और बी की आयु कितना था, 5:7 था, 5:7 था, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद आप लोग क्या करना, आप लोग 8 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 7:9 कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है, कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद तो क्या होगा, बाद 8 वर्ष बाद, ठीक है दोस्तों, 8 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो रेशियो में कितना का डिफरेंस है उसमें, उसमें रेशियो का कितना का डिफरेंस है, देखो तो उसमें कितना का डिफरेंस है, उसमें 2 का डिफरेंस है। क्वेश्चन में कितना डिफरेंस रेशियो में, तो वर्तमान में कितना था, 5:7 था, और 8 वर्ष बाद कितना होगा, 7:9 हो गया, तो कितना का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस होगा, 2:0 का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 2:0 का डिफरेंस नहीं है, 8 वर्ष का डिफरेंस है, कितना का है, 2 का नहीं डिफरेंस है, कितना का है, 8 का डिफरेंस है, 8 वर्ष का, एक नहीं है, कितना का है, तो 8/2 कर, कितना बार कटेगा ये, 4 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु पता करना, तो वर्तमान में पता करना है क्या करना, बल्कि कितना ए और बी की वर्तमान आयु में, तो 4 × 5 करो तो कितना होगा, 4 × 5 करो तो कितना होगा, 20 होगा, और 7 × 4 करो तो कितना होगा, 7 × 4 करो तो कितना होगा, 28 होगा। तो वही आप लोग का आंसर है, ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। तो उसे करने का और भी तरीका देखना आप लोग, करना क्या देखना, तो अब लोग करना क्या देखना, तो अब लोग एक्स मान के देखते, 5x 5x, तो क्वेश्चन में 8 वर्ष बाद, तो अब लोग क्या करना, आप लोग प्लस करना, 8 प्लस करना, ठीक है दोस्तों। तो 2 अपॉन क्या होगा, बटे में क्या होगा, 7x 7x प्लस कितना होगा, 8 होगा, ठीक है दोस्तों। बराबर कितना दिया, कितना, 7:9, कितना दिया, 7:9 दिया है। तो अब लोग करना क्या देखना, तो उसे जब उसे मल्टीप्लाई कितना होगा, 9 5 जाए कितना होगा, 45 हो जाएगा, 5 × 9 = 45, तो कितना होगा, 8 × 9 = 72 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, 72 होगा। तो बराबर कितना दिया, 7 × 7 = 49 दिया है ना, 49 दिया है, 7 7 9 या कितना होता है, 7 9 या कितना होता है, तो 49x होगा। तो प्लस कितना होगा, 7 × 8 = 56, तो जब उसे घटाओगे तो कितना होगा वो देखना, ठीक है दोस्तों। उसमें जब घटाओगे कितना होगा, तो 4x होगा कि नहीं होगा, होगा 4x होगा ना दोस्तों। बराबर कितना दिया है आप लोगों को, 4x होगा, तो 45x में से 49x को घटाओगे तो कितना, 4x होगा कि नहीं होगा, तो उसमें आप लोग घटाओगे तो कितना होगा, 6 होगा, तो उसमें घटाओगे तो कितना होगा, 16 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो x का वैल्यू पता करना, तो x का वैल्यू 16 ओपन कितना होगा, 4, तो जब x का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, होगा ना दोस्तों। तो अब लोग करना क्या, तो प्रेजेंट और वर्तमान आयु पता करना, तो क्या करना आप लोगों को, 5 से मल्टीप्लाई करना और 7 से मल्टीप्लाई करना, तो ए का पता चल जाएगा, तो 5 × 4 करते कितना होगा, 20 होगा, और बी का पता करना, तो कितना, 7 × 4 करते कितना होगा, 28 होगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दो दो तरीका से आप लोग बता रहा हूँ, आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों। तो आप 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, आप लोग करना ही देखना है। तो अब लोग क्वेश्चन में कह रहे हैं ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा है, बड़ा हो, तो 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, 12 वर्ष बाद का कह रहे हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान देना, ठीक दोस्तों। ए और बी की आयु क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 7:7 कितना है, सॉरी 6:7 है, 6:7 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए बी बी ए से कितना, बी ए से 4 वर्ष बड़ा है, उसमें कितना का अंतर है, बी ए से कितना वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है, बी ए से कितना वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा। क्वेश्चन में कह रहा है 1 वर्ष बड़ा नहीं है, कितना है, क्वेश्चन में कह रहा है कितना वर्ष का बड़ा है, 4 वर्ष का बड़ा है, कितना वर्ष का, 4 वर्ष का बड़ा है, 4 वर्ष का बड़ा, कितना टाइम ज़्यादा है, 4 टाइम ज़्यादा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 12 वर्ष बाद, क्वेश्चन में कह रहा है 12 वर्ष हो, तो 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, तो 12 वर्ष बाद का आप लोग पता करना, तो 12 वर्ष क्या होगा, आप लोग 12 ऐड करते, तो ए का पता करना, तो ए का पता करना क्या करना, 6 × 4 कर दो कितना होगा, रेशियो 7 × 4 कर दो कितना होगा, 24 24 रेशियो कितना, 7 × 28। तो क्वेश्चन में कह रहा 12 वर्ष बाद कह रहा, तो 12 वर्ष का क्या करना, 12 वर्ष बाद कह रहा, तो 12 वर्ष बाद क्या, तो आप क्या करना, 12 ऐड कर देना, ठीक है दोस्तों, 12 आप लोग को ऐड कर देना, तो कितना होगा, आप देखना 40 और इसमें कितना होगा, 36 होगा।
तो जब उसे काटोगे कितना बार कटेगा, इस चेयर से कटेगा 9 बार कटेगा, इस चेयर से कटेगा कितना बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा। तो कितना आवलोग का रेशियो हो जाएगा, 9:10 आवलोग का आंसर होगा। कितना होगा, 9:10 आवलोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना। तो नीचे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, दिखाई दे रहे हैं आप लोग इस तरफ से करना। आप लोग सामने 11 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग सामने 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग करना क्या देखना, ठीक दोस्तों। श्याम की आयु, श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, क्वेश्चन में कह रहा है आधी है, ठीक दोस्तों। श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, तो 20 वर्ष बाद उनके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना है, कितना 1.5 गुना है, 1.5 गुना होगी। तो श्याम की आयु, श्याम की आयु पिता की आयु, श्याम के पिता की आयु वर्तमान आयु क्या कितनी होगी, श्याम के पिता की आयु वर्तमान आयु क्या होगी पता करना, ठीक है दोस्तों। तो बोलो करना क्या देखना, तो श्याम और उसके फादर, श्याम और उसके फादर मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक दोस्तों। SHYA श्याम फादर, तो 1.5 गुना होगा। तो आप लोग करना क्या देखना, तो श्याम 1 होगा तो उसके पिता कितना होगा, रेशियो 2, वहाँ रेशियो 2 होगा, 1.5 गुना मतलब 1 होगा तो कितना होगा, इसका हाफ आधी कह रहा, तो उसका आधी, उसका श्याम उसके फादर 2 होगा तो उसका बेटा कितना कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, होगा क्वेश्चन में कह रहा। तो उसके पिता की आयु श्याम की आयु उसका 1.5 गुना है, 1.5 गुना का मतलब आप लोग करना क्या, 1.5 गुना मतलब 1/1 से 1/2 होता है। तो सर जब सॉल्व करते कितना होगा, 3/2 होगा, कितना होगा 3/2 होगा, 3/3 होगा, ठीक दोस्तों। तो वो लोग करना क्या देखना, तो श्याम कितना होगा, श्याम होगा 2 होगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है 20 वर्ष बाद कह रहा है, तो 20 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 20 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद कह रहा है, ठीक दोस्तों। तो जैसे जैसे कहेगा ऐसे ऐसे वो लोग लिखते रहना, ठीक दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा ऐसे ऐसे लिखते रहना। तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाता है, मतलब 1.5 गुना मतलब कितना होगा, 3:2 होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों को देखना, तो आप लोग करना क्या देखना, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाता। तो उसकी उसमें क्या गलती कर दिया गया, सॉरी उसमें 2:2 होगा, ठीक है, 2:3 होगा, 2:3 होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 1.5 गुना होगा, तो 1.5 गुना मतलब 3:2 होगा कि नहीं होगा, 3/2 होगा। तो श्याम कितना होगा, 3/2 होगा, तो उसके पिता कितना होगा, 3 होगा। तो उसमें रेशियो में कितना का अंतर है, उसमें रेशियो में कितना का अंतर है, उसमें एक का है, उसमें उसमें कितना का अंतर है, 1 का अंतर। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ष का अंतर नहीं है, कितना कितना का अंतर है, 20 साल का अंतर है, 20 वर्ष। तो उसमें कितना टाइम ज़्यादा है, 20 टाइम ज़्यादा। तो क्वेश्चन में कह रहा है उसमें पिता की आयु, वर्तमान पिता की आयु आप लोग पता करना, तो पिता की आयु कितना होगा आप लोग पता करना, ठीक दोस्तों। तो वर्तमान में जाना था आप लोग क्या करना, ये वर्तमान में है तो क्या होगा आप लोग, फादर के, फादर के आप लोग क्या होगा, तो जब पता करो 2×20 करो तो कितना होगा, 2×20 करो कितना होगा, 20 वर्ष होगा, 20 वर्ष होगा कि नहीं होगा, होगा सॉरी 40 वर्ष होगा, 40 वर्ष होगा ना दोस्तों। तो आप लोग आंसर कितना होगा, 40 वर्ष आप लोग आंसर होगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक है दोस्तों, 40 वर्ष आप लोग आंसर होगा, इस तरफ से आप लोग करना, ठीक है। तो आप लोग सामने 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन लाना दोस्तों। तो और सामने 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग करना है देखना, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में ए बी और सी की आयु का योग कितना है, 150 वर्ष है। तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:4:3 था। तो वर्तमान में ए बी सी की आयु का अनुपात क्या होता, वर्तमान में ए बी सी की आयु पता करना। तो ए बी सी की, तो वर्तमान में क्या था, प्रेजेंट में, वर्तमान में क्या था, ए बी सी का योग कितना था, ए बी सी का योग कितना था, 150 वर्ष था, कितना वर्ष था, 150 वर्ष था। तो अब लोग करना क्या देखना, ठीक दोस्तों। तो ए बी सी का कितना था, 150 वर्ष था, 150 वर्ष था, ठीक है, इस तरफ से आप लिखना। तो क्वेश्चन में कह रहा है वर्तमान में ए बी सी की आयु का अनुपात क्या होगा, तो अब लोग क्या करना, आप लोग ए बी सी का वर्तमान का कितना था, 150 वर्ष था। तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व यह क्या होता था, 5:3 क्या होता था। तो ए बी सी का रेशियो कितना हो जाए, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व क्या करना, माइनस करना। तो 10 वर्ष पहले तो पूर्व क्या कहलाता है, और क्या करना आप लोगों को देखना, पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व अब कितना रेशियो हो जाएगा, कितना रेशियो हो जाएगा, 5:4:3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं तो योग कितना है, तो 10 वर्ष का योग कितना होगा, योग कितना होगा, जो योग कितना होगा, योग होगा कितना होगा, 4×3=9, 9×3=12 वर्ष, 12 वर्ष योग है, कितना वर्ष है, 12 वर्ष है, 12 वर्ष है ना दोस्तों। एक कौन सा दिन का है, ये 12 कितना, 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पहले का। तो 10 वर्ष आप लोग वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को,
तो वर्तमान में आ लेंगे, क्या करना पड़ेगा, दस दस आप लोग को घटाना पड़ेगा, दस दस क्या करना है आप लोग को घटाना पड़ेगा, तो दस घटाना पड़ेगा, दस घटाना पड़ेगा, तो एक का दस होगा तो तीन का कितना होगा, तीस होगा कि नहीं होगा, एक का दस है तो तीन का तीन कितना होगा, तो ए का दस वर्ष, बी का दस वर्ष, तो आप लोग देखना, ए का दस वर्ष, बी का दस वर्ष और सी का दस वर्ष, तो कितना होगा, तीस वर्ष होगा कि नहीं होगा, तीस वर्ष होगा ना दोस्तों, तीस वर्ष होगा, तो तीस वर्ष आप लोग घटाना, तो किस में से घटाना, 150 में से आप लोग तीस वर्ष घटाना, तो तभी तो फिर आप लोग दस वर्ष पूर्व पहले में आएगा ना दोस्तों, तो आप लोग कितना क्या करना आप लोग, तो 150 में से आप लोग क्या तीस घटाना था, कितना होगा, 120 वर्ष होगा, तो 120 वर्ष एक कब का है, एक पहले का है, एक क्या है पहले का, पहले में कितना वर्ष का अंतर है, तो क्वेश्चन में योग कितना है, एक सब कितना है, 12 वर्ष का, क्वेश्चन में कह रहा है 12 वर्ष का नहीं है, कितना का है, तो योग कितना का है, 12 वर्ष का नहीं है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कितना का है, 120 का है, तो एक नहीं है, कितना का है, एक नहीं, एक तो जब से काटो कितना बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा, 10 बार कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों को, तो ए बी सी की आयु का अनुपात क्या हो, वर्तमान आप लोग पता करना, तो वर्तमान में पता करना, तो वर्तमान में आप लोग क्या करना आप लोग को देखना, तो वर्तमान में आलेख क्या करना आप लोग पढ़ना पड़ेगा, देखना ए बी सी का, तो ए क्या होगा, ए का आप लोग पता करना, तो कितना फाइव इंटू टेन करो कितना होगा, 50 होगा कि नहीं होगा, होगा तो फोर इंटू कितना, फोर इंटू टेन करो कितना होगा, फोर इंटू टेन करो कितना होगा, 40 होगा कि नहीं होगा, और थ्री इंटू टेन करो कितना होगा, थ्री इंटू टेन करो कितना होगा, 30 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये कौन सा दिन का है, ये 10 वर्ष पूर्व का है, तो 10 वर्ष पे 10 वर्ष आप लोग वर्तमान का निकालना, तो क्या करना आप लोगों को 10 वर्ष पे आप लोग क्या जोड़ना पड़ेगा, तो इस तरफ से आप लोग ध्यान देना, ठीक दोस्तों, तो 10 वर्ष क्या करना आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा, 10 तभी तभी वर्तमान में आएगा ना दोस्तों, तो 10 क्या करना आप लोगों को ऐड करना, तो 10 तब जब ऐड करो तो कितना होगा आप लोगों को देखना, तो 60 रेशियो कितना होगा, 50 रेशियो कितना होगा, 40, तो रेशियो आप लोग कितना हो जाएगा, तो जब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा, 6:5:4 आप लोग आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, तो ए बी सी का कितना होगा रेशियो हो जाएगा, 6:5:4 और रेशियो आप लोग का आंसर होगा, ठीक है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करना, तो आप लोग सामने 13 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग सामने 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग अभी क्या करना, आप लोग एच पता करना, ठीक है दोस्तों, पहले रेशियो पता कर दिया था, आप लोग एच पता करना, वर्तमान में ए बी सी और ए बी सी की आयु का अनुपात कितना है, आयु का योग कितना है, 93 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना, 4:3:2 था, 4:3:2 था, तो वर्तमान में ए बी सी की आयु ज्ञात करना, तो आप लोग करना क्या देखना, तो पहले वर्तमान में कितना था, वर्तमान में प्रेजेंट में कितना था, तो वर्तमान में कितना ए बी सी का रेशियो कितना था, ए बी सी का रेशियो कितना था, योग कितना था, आयु का योग कितना था, योग था कितना वर्ष था, 93 वर्ष था, कितना वर्ष, 93 वर्ष था, ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं, तो 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व कितना था, 10 वर्ष पूर्व आप लोग कितना था, 10 वर्ष पूर्व आप लोग जाना, तो क्या करना आप लोग, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले लिखना, पूर्व लिखना, पहले लिखना, सही बात, एक ही बात है, ठीक है दोस्तों, तो पहले कितना था, पहले कितना था, 4:3:2 था, कितना था, 2 था, तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो प्रेजेंट में कितना था, प्रेजेंट में योग कितना था, 93 वर्ष में, तो वर्तमान में कितना था, 93 वर्ष था, तो पहले कितना होगा, तो रेशियो कितना था, 4:3:2 था, तो अब वर्तमान में योग कितना है, तो पहले में कितना योग है, योग कितना है, 4 × 3 = 7 = 9 वर्ष, कितना गया योग है, 9 वर्ष का योग है, 9 वर्ष का योग है, योग कितना है, योग है, क्वेश्चन में कह रहा है 9 वर्ष का है, तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो उसमें जाने तो 10 वर्ष जाने तो कितना है, तो पहले 10 वर्ष 93 वर्ष था, तो पहले में जाने में तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को, ये पहले का योग है, कौन सा है, वर्तमान का योग है, तो आप लोग पहले में जाने तो क्या करना आप लोग को, 10 क्या करना, घटाना पड़ेगा, तो 93 में से मैं 10 घटाऊँ तो कितना, ए बी सी का, ए का 10, बी का 10, सी का 10, तो कितना 30 वर्ष होगा कि नहीं होगा, 30 वर्ष होगा, तो उसमें जब घटाओगे तो कितना होगा, 63 वर्ष होगा कि नहीं होगा, 63 वर्ष होगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है, एक्चुअली में 9 वर्ष नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअली में कितना वर्ष है, एक्चुअली में कितना वर्ष, 9 नहीं है, कितना है, 63 है, तो एक नहीं है, कितना है, 63 / 9 करो कितना बार कटेगा, 963, तो कितना वर्ष, 7 बार टाइम में कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो वर्तमान ए बी सी की आप लोग पता करना, तो ए बी सी की पता करना, तो क्या करना आप लोगों को, तो ए बी सी का पता करना, ए बी सी तो लिखा है उधर, मैं वो लिख देता हूँ, तो 4 × 7 करो कितना होगा, 4 × 7 करो कितना होगा, 28 होगा, और 4 × 3 करो तो कितना, सॉरी 3 × 7 करो तो कितना होगा, 21 होगा, और 2 × 7 करो तो कितना होगा, 14 होगा,
तो एक कौन सा एच आएगा आप लोगों का, कौन सा आएगा पहले का, तो आप लोग 10 बस आप लोग क्या करना, आप लोग उसमें तो आप लोग क्या करना 10 बस आप लोग ऐड करना, ठीक है। ये पहले का एच आ गया है, ठीक है दोस्तों, ये 10 वर्ष पहले का है, ठीक है, ये पहले का है। तो 10 वर्तमान में आप लोग क्या क्या करना, वर्तमान में आने के लिए क्या करना आप लोग पड़ेगा, वर्तमान में, वर्तमान सॉरी वर्तमान में क्या करना पड़ेगा, 10 10 आप लोग की क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 10 10 क्या करना पड़ेगा आप लोग, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, 10 10 क्या करना, ऐड करना पड़ेगा। तो कितना होगा, 38 होगा, उसमें कितना होगा, कितना होगा 31 होगा, उसमें कितना होगा, होगा 24 का होगा। तो कितना आप लोग आंसर होगा, 38 वर्ष, 31 वर्ष और 24 वर्ष आप लोग आंसर होगा। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो अब 14 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों।